ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम करने जा रहे हैं पॉलीमराइजेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो तीन टाइप से पॉलीमराइजेशन हो सकता है, थ्री टाइप से। पहला है एडिशन पॉलीमराइजेशन, या इस एडिशन पॉलीमराइजेशन का दूसरा नाम आप कह सकते हो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसको आप कह सकते हो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और कोपॉलीमराइजेशन आपको पता ही है, अब यह आ जाएगा। तो ये तीनों टाइप हमने पढ़नी है। कोपॉलीमर्स वही जिसमें मोनोमर यूनिट्स अलग अलग टाइप के हैं। तो एडिशन से हम शुरू करते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन का मेथड क्या है। एडिशन में आप एक बात पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें जो डबली बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं यानी कि अल्कीन्स या अल्काडाइन्स या फिर उनके डेरिवेटिव्स, उनमें ये होता है। तो शुरू करते हैं पहले से। द फर्स्ट वन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, या दूसरा नाम क्या रख दिया इसका आपने, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो इसमें क्या है, किसमें होगा ये, अल्कीन्स में या फिर अल्काडाइन्स इसमें हो सकता है, या फिर अल्कीन्स के डेरिवेटिव जो बहुत सारे होते हैं, जो विनाइल ग्रुप से हम बना लेते हैं ना, उनमें ये होता है, यानी कि इनके डेरिवेटिव्स में। अब सवाल ये उठता है कि जब ये एडिशन होगा यूनिट्स का, जैसे कि मान लिया इथीन का हो रहा है, एडिशन हो रहा है बार बार, तो वो कौन सा तरीका होगा, उस मोड के बारे में, उस तरीके के बारे में हमने यहाँ पढ़ना है, मेथड के बारे में पढ़ना है। तो देखो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो है फ्री रेडिकल एडिशन, पहले फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो और उस फ्री रेडिकल से एडिशन होता चला जाए, या फिर हो सकता है कैटायनिक एडिशन, या फिर हो सकता है एनायनिक एडिशन, यानी कि शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं या तो आयनिक एडिशन्स होंगे या फिर फ्री रेडिकल की सहायता से एडिशन होते हैं। तो अपने जो एनसीईआरटी में अगर स्ट्रिक्टली हम बात करें, क्योंकि इस चैप्टर को हमने वहीं से थीम लेके चलना है सारा, बाहर ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो मार्क्स ही कटवाने, फ़ायदा कुछ नहीं है। तो उसमें केवल अपना फ्री रेडिकल वाला है वो सिलेबस में है, उसके बारे में हमने देखना है। तो अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन के कारण। तो इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे और वो फ्री रेडिकल्स बनने के कारण वो एडिशन करवाएंगे, फिर वो देखना हमने फ्री रेडिकल एडिशन। तो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो इसको हमने तीन स्टेप्स में डिवाइड कर लिया है रिएक्शन को, ये इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान से समझनी है। तीन स्टेप्स इसके हैं, थ्री स्टेप्स में पूरी होगी ये। अब जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं इथीन का जो एडिशन है वो कैसे होगा। तो इसके थ्री स्टेप्स हैं, जब चेन स्टार्ट होती है, यानी कि चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होता है, कोई इनिशिएटर बनेगा और वो इनिशिएटर फिर आगे काम करेगा रिएक्शन को एडिशन करवाने का। फिर क्या होगा, वो चेन आगे बढ़ेगी, प्रोपेगेट होगी, यानी कि चेन प्रोपेगेशन। और फिर इसके बाद तीसरा स्टेप होगा चेन टर्मिनेशन, जब ये चेन खत्म होगी। तो इनिशिएटर्स कौन कौन से होंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप इसका है चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन बोले तो जो स्टार्ट करता है, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमें, भाई अपने आप थोड़ी स्टार्ट होगी, हमें कोई ना कोई इनिशिएटर चाहिएगा, यानी कि ये मानो कि ये धक्का मार रिएक्शन है, होते ना कई व्हीकल, ट्रैक्टर है, कार है, वो सर्दियों में सुबह सुबह स्टार्ट नहीं होते तो उनको धक्का लगाना पड़ता है, तो वो जो धक्का लगाने वाले हैं ना वो क्या है, इनिशिएटर है। तो ये चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा कि इनिशिएटर्स का प्रोडक्शन होगा, पहले तो इनिशिएटर बनेगा और वो इनिशिएटर जो होगा वो फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा। जैसे कि ये परोक्साइड हो सकते हैं इनिशिएटर, जैसे जो कॉमन है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है बेंजोइल परोक्साइड, वो एक इनिशिएटर का काम करेगा।
फॉर्मूला क्या है, सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ भी ओ, एक तो ये हो गया सी सिक्स एच फाइव सी ओ, ये एक तरफ है, बीच में दो ऑक्सीजन, ये परोक्साइड बॉन्ड है। परोक्साइड कौन सा होता है, जब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो उस बॉन्ड को कहा जाता है परोक्साइड बॉन्ड। ये यूनिट ऐसे है, इसी तरह ये दूसरी तरफ है सी सिक्स एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ, और ये ऐसे जुड़े हुए हैं, ये है परोक्साइड बॉन्ड। पूरा नाम क्या है इसका, बेंजोइल परोक्साइड। तो पहले स्टेप में तो क्या होता है, इनिशिएटर बनता है, ये जो बेंजोइल परोक्साइड है इसमें इनिशिएटर बनेगा। क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा यहां से टूट जाएगा। तो इस बॉन्ड के अंदर अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस ऑक्सीजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, तो इनको अलग अलग कर दो, ये इसने ले लिया, ये इसने ले लिया, इनको अलग अलग करो, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ से अब टूट गया, ब्रेक हो गया। तो क्या होगा, एक तो ये बन गया सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, इसी को फ्री रेडिकल कहते हैं। ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन है, इनिशिएटर कौन है यहाँ पे, फ्री रेडिकल। अभी देखते हैं रेडिकल क्या बनेगा, इसमें फिनाइल रेडिकल बनता है। तो जब ये टूट गया तो देखो क्या हुआ, सी सिक्स एच फाइव सी ओ, और ये क्या बन गया, ओ विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये फ्री रेडिकल बन गया। ऐसा ये दूसरी तरफ बन गया, यानी कि ऐसे ऐसे कितने बन गए, दो बन गए। अब ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं रुकेगी, अब क्या होगा इसके बाद, यहां ध्यान से देखना, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं, यहां पे सी सिक्स एच फाइव ये नहीं है इसीलिए बता रहा हूं, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या है, ओ विद वन इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये बॉन्ड अलग अलग हुए हैं, ये आग यहां पर लग गई है, तो ये फैलेगी जरूर। तो यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड भी दो इलेक्ट्रॉन के कारण है, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया, एक अपना इसके पास आ गया, तो एज ए रिजल्ट देखो क्या हुआ, सी सिक्स एच फाइव फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास ये आ गया, ये फ्री रेडिकल बन गया, ये क्या है, फिनाइल। सी सिक्स एच फाइव क्या होता है, फिनाइल फ्री रेडिकल, ये फिनाइल था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया, फिनाइल फ्री रेडिकल। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां यानी कि इस कार्बन के पास है, तो इस कार्बन के पास देखो क्या हुआ, प्लस ये क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है और दूसरा एक अनपेयर्ड इसके पास है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि ये क्या बन गया, ये है CO2, CO2 यही तो होती है, कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होते हैं दोनों तरफ, तो CO2 यहां से चली जाएगी और किसका फॉर्मेशन हुआ, फिनाइल फ्री रेडिकल का। तो ये पहला स्टेप है जहां पे कोई इनिशिएटर प्रोड्यूस हो रहा है, और वो कौन सा इनिशिएटर है, फिनाइल फ्री रेडिकल। अब ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है, अब ये रिएक्ट करेगा जाके किस पे, इथीन के ऊपर। कैसे, इनिशिएटर हम चेन को अब शुरू कर रहे हैं, तो क्या पढ़ा अब तक आपने, इनिशिएटर यानी फ्री रेडिकल बना, बेंजोइल परोक्साइड था, टूट गया, पहले ये बना, इसमें से CO2 चली गई, फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। अब ये इथीन का हालचाल पूछने वाला है, ये देखो क्या बन गया, सी सिक्स एच फाइव ये फ्री रेडिकल है, प्लस ये अपने पास क्या था, ये था इथीन, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, ये चाहेगा कि इसको कहीं से दूसरा इलेक्ट्रॉन मिले, बॉन्ड बने, ऑक्टेट पूरा हो, हर एटम हर मॉलिक्यूल की यही इच्छा होती है कि वो अपने आप को स्टेबल करे। तो ये आराम से इथीन यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन इसको आराम से ये नहीं बैठने देगा, ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, ये इथीन आराम से यहाँ बैठा है, अब क्या होगा बताइए, ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। हम तो तिनके चुन रहे थे आशियाने के लिए, आपसे किसने कहा बिजलियां गिराने के लिए, तो ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल है वो यहाँ पे क्या करेगा, अब बिजलियां गिराएगा, यानी कि यहाँ पे ये अटैक करेगा, आके अटैक करेगा, तो क्या होगा,
ये जो बॉन्ड है ये ऊपर वाला नीचे वाला कोई सा भी एक तोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। अब ये अनपेड है, ये अनपेड है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में और देखो एज ए रिजल्ट क्या बनगा, C6H5। इसके पास अनपेड था और इसके पास अनपेड था, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए। ये अब रह गया अकेला फ्री रेडिकल। अब आपने क्या कर दिया, पहले तो ये इतना ही फ्री रेडिकल था, अब ये इतना नहीं रहा, इसके साथ ये और जुड़ गया तो ये फ्री रेडिकल हो गया। यानी कि यू आर गेटिंग बिगर फ्री रेडिकल देन द प्रीवियस वर्जन, पहले वाले से भी बड़ा फ्री रेडिकल आपके पास आ गया। और क्या अब ये रुकने वाला है कहीं, ये आगे फिर अटैक करेगा क्योंकि इसमें भी क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ, इसी की तरह जो आगे होगा इथीन। अब आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल आसान है, ये जैसे इथीन था तो ये फ्री रेडिकल अब आगे रिएक्ट करेगा, आगे रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, ये फिर तोड़ देगा इस बॉन्ड को, ये यहां बन जाएगा ये फ्री रेडिकल, अब ये और बड़ा फ्री रेडिकल हो गया। यानी कि जो फ्री रेडिकल है वो आपका बढ़ता जा रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन, जिसमें ये फ्री रेडिकल बनता है और इसके ऊपर रिएक्शन करना शुरू करता है ये, और ये जो चेन बढ़ती जा रही है, यहां मैं लिखना चाहिए था यहां पे, ये जो चेन बढ़ती जा रही है आगे जो चलती जा रही है, इस स्टेप का नाम है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। यानी कि ये जो रिएक्शन है, यहां तक ये जो फॉर्मेशन हुई फिनाइल की, यहां हुई थी ना अपने C6H5, ये है चेन इनिशिएशन स्टेप। और ये जो रिएक्शन है ये क्या है, चेन आगे बढ़ रही है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप, चेन आगे बढ़ती है, ये चेन आगे बढ़ती जा रही है, फ्री रेडिकल बड़ा होता जा रहा है और चेन आगे बढ़ती जा रही है, तो ये क्या है, ये है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब लास्ट स्टेप कौन सा है, चेन टर्मिनेशन। जब फ्री रेडिकल के सामने फ्री रेडिकल आ जाएगा तो वो चेन वहीं पे फिर रुक जाती है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, फ्री रेडिकल बना, इनिशिएट होगी चेन, दूसरे में क्या हुआ, यह आगे बढ़ गई यानी कि प्रोपेगेट होगी। अब तीसरे में देखते हैं क्या होता है, देखना क्या है पता ही आपको, तीसरे स्टेप में क्या होगा, चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मीन्स चेन अब स्टॉप होगी, रुकनी है अब चेन टर्मिनेशन। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनका सामना जब भी एक दूसरे से होगा तो वो दोनों मिल जाएंगे और चेन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। कैसे, देखो दो लिख के देखते हैं, C6H5 ये जुड़ा हुआ था CH2, देखो ये यूनिट बार बार आती है तो इसको ब्रैकेट में करके मैं एन टाइम्स कर देता हूँ, और जो सबसे लास्ट में है बची हुई है वो ये है CH2, ये फ्री रेडिकल, ये ऐसा एक फ्री रेडिकल है, ये कितना भी बड़ा हो सकता है, ऐसा ही कोई दूसरा होगा, यानी कि C6H5 ये क्या है CH2 एन टाइम्स CH2। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, यानी कि जब इन दोनों का आमना सामना होगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ पे, तो क्या होगा, इसको यहीं से जोड़ना आपने, इसको ऐसे घुमा लाओ और यहाँ जोड़ दो, यानी कि इसको इससे जोड़ दो, बाकी को ऐसे है कैसे, तो चेन क्या होगा वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये ऊपर वाला क्या है, ये C6H5, ये एज इट इज लिखो CH2, ये क्या है एन टाइम्स, और ये क्या है CH2, यहाँ तक लिख दिया। देखो इसकी प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, ये चीज़ें देखने सुनने में तो बहुत ही आसान लगती हैं कि ठीक है बॉन्ड को तोड़ दो जोड़ दो, या इसको यहाँ से पकड़ो यहाँ से जोड़ दो, लेकिन जब आप कॉपी पर करेंगे तभी प्रैक्टिस होगी। याद रखना, प्रैक्टिस डज नॉट मेक ए मैन परफेक्ट। अब आप सोचेंगे ये क्या कह रहा हूँ, पूरी लाइन नहीं बोली मैंने अभी, प्रैक्टिस डज नॉट मेक ए मैन परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट होनी चाहिए। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते हैं या रिएक्शंस की तो बहुत ही ज़रूरी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है
तो रिएक्शंस का बस एक ही तरीका है, वो जो जितने आसान मेथड होंगे वो तो हम करेंगे ही जो भी चैप्टर आएंगे, लेकिन उसके अलावा भी कुछ रिएक्शंस ऐसी बचेंगी जो हमें याद करनी पड़ेंगी उनका, तो वो बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी। इथीन का फार्मूला आपको समझाया जा सकता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये ईन का मतलब डबल बॉन्ड है, ये भी आपको समझाया जा सकता है, नोमेनक्लेचर भी समझाई जा सकती है, लेकिन कार्बन का सिंबल सी होता है ये भी आपको समझाया जा सकता है। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन करने लगो कि कार्बन का सिंबल सी क्यों होता है या ऐसी कोई बात है, तो अल्टीमेटली आप एक ऐसे लेवल पे पहुँचेंगे जहाँ वो चीज़ आपको याद करनी ही पड़ेगी। अगर आपसे कोई कहता भी अर्थ का मास कितना है तो आप क्या बता देते हैं, 9.1 × 10³³ किलोग्राम। तो कौन सी तराजू थी भाई, किस चीज में तोल के देखा था आपने, याद ही किया होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जैसे इनऑर्गेनिक रिएक्शन है तो वो आपको याद करनी पड़ेंगी, इसी तरह ये भी प्रैक्टिस करनी है इनकी भी। देखो वापिस आओ, ये यहां पे है ऐसा का ऐसा मैंने लिखा, अब इसको यहां से जोड़ो इसको, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और बॉन्ड बनाएंगे और फिर ये रिएक्शन बंद हो जाएगी, यानी कि ये बॉन्ड CH2 CH2। आगे क्या है बोर्ड पे दिखा नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, ये एज इट इज इसको वहां जोड़ना है। तो ये कौन सा स्टेप होगा, ये चेन टर्मिनेशन स्टेप होगा। तो तीन टाइप की अपने पास पॉलीमराइजेशन है।